एक्सरसाइज 3B का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन ए बास्केट देयर आर 1250 फ्लावर्स। ए मैन गोज फॉर वर्शिप एंड पुट्स एज मैनी फ्लावर्स एज देयर आर टेंपल्स इन द सिटी। दस ही नीड्स 8 बास्केट ऑफ फ्लावर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टेंपल्स इन द सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बास्केट है जिसमें इतने फ्लावर्स हैं और एक आदमी जो है वो पूजा करने जाता है, ठीक है ना, किसी सिटी के टेम्पल्स में। एक आदमी है जो किसी सिटी के टेम्पल्स में पूजा करने जाता है और वो वहां पर उतने ही फ्लावर्स रखता है जितने कि उस सिटी में टेम्पल्स है, ठीक है ना। एक टेम्पल में उतने ही फ्लावर्स रखता है जितने कि वहां पे टेम्पल्स है। मान लो अगर वहां पे 100 टेम्पल्स है उस सिटी में, तो वो हर एक टेम्पल पर 100 फ्लावर्स रखेगा। अगर वहां पे 50 टेम्पल्स है उस सिटी में, तो वो हर एक टेम्पल पर 50 फ्लावर्स रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको 8 बास्केट फ्लावर की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है हमें नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको, लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स, लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स भी। तो नंबर ऑफ टेम्पल्स कितना होगा, मान लो ये होगा x, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टेम्पल्स है कितना होगा, x होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स एट ईच टेम्पल वो कितना होगा, वो भी इतना ही होगा, क्योंकि इसने कहा था कि जितने उस टीम में टेम्पल्स होंगे उतने ही वो एक टेम्पल पर फ्लावर्स रखेगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच टेम्पल, ठीक है, इन ईच टेम्पल। तो ये कितने होंगे, ये भी एक्स ही होंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए उसको 8 बास्केट फ्लावर्स की जरूरत होगी ये सब करने के लिए, ठीक है ना, ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे एक बास्केट में कितना है, वो है 1250 फ्लावर्स। तो ये राइट कर लेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन बास्केट, ठीक है। एक बास्केट में कितने हैं, एक बास्केट में है ये 1250। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 8 बास्केट्स वो कितना है, वो हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई 8। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 85 40, ये हो जाएगा कितना 8 16 और 4 20, 8 8 2 10, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जितने वहां पे टेम्पल्स हैं और जितना एक टेम्पल पे वो फ्लावर पुट करेगा, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स इट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 10,000, एक्स इट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का 1 राइट करेंगे, इसका एक पेयर आ गया तो 10, इसका एक पेयर आ गया तो 10। तो इसका जो स्क्वेयर रूट है वो क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं सो द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी बी 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेम्पल्स होगा सिटी में वो कितना होगा, 100 होगा।